मंच लाना चाहूं। भाई साहब ये इनका घर कहां मिलेगा? वो फटाफट व्यक्ति आता था बताता आज जिनकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर कई कंट्रीज के अंदर तमाम प्रेस्टीजन आज ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं, वो उसके सूत्रधार हैं। आप मिलना चाहेंगे? यस। सर को आज दो और इवेंट के अंदर जाना है, मुझे बड़ी हैरानी होती है। एक नेटवर्क के तौर पे हम भी कई बार एक दिन में तीन मीटिंग नहीं कर पाते, लेकिन सर आज तीन मीटिंग के अंदर जा रहे हैं, वो भी सेम टीम मीटिंग के अंदर। तो जोरदार ताली के साथ सर के डिटरमिनेशन के लिए शब्द नहीं है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर भाजी एंड ग्रॉस टीम, मुझे आज ये मौका देने के लिए ताकि आप लोगों को मदद कर सकें। मैं अभी पीछे बैक स्टेज पर जब बैठा हुआ था, मैं सर भाजी से एक ही बात कर रहा था। मैंने कहा मुझे बहुत साल हो गए किसी भी सीएनटी में गए हुए, तो मैंने कहा कि ये जो मौका है इस टाइम का कि ताकि आप सब लोगों से मैं मिल सकूं, तो मैंने कहा इस मौके को मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रीतम जी ने कहा कि मैंने आज तीन मीटिंग अटेंड कर ली है, मैंने आज तीन नहीं बल्कि चार मीटिंग अटेंड कर ली है, क्योंकि मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में जैसे मैडम बिस्ट आपको बता रही थी, या मार्केटिंग प्लान के बारे में जो आपको लीडर बताएंगे, या जो सिस्टम बताएंगे, मेरा ख्याल से मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर वो आप लोगों को सिखा सकेंगे, राइट? सो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मीटिंग के बाद मैं जनकपुरी ऑफिस जा रहा हूं, उसके बाद कश्मीरी गेट 2 बजे एक मीटिंग है, 4 बजे फिर हमारी लाजपत नगर में मीटिंग है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वेस्टीज को कोई भी पीछे नहीं रख सकता। yes!
आज की मीटिंग शुरू करने से पहले मैं ये चीज देखना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो हमारे गेस्ट हैं और आज पहली बार इस मीटिंग में आए हैं? फैंटास्टिक, जितने हमारे लोग पहली बार आए हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों का स्वागत है। मेरे ख्याल से आज का दिन आपकी जिंदगी में शायद एक बिल्कुल एक अलग दिन हो जिसके करके आपकी जिंदगी बदल जाए। जितने नए लोग आए हैं मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? मैं आप लोगों को एक चीज साफ कहना चाहूंगा कि अगर रातों रात अमीर बनना है तो वेस्टीज कभी मत करना, राइट? अगर आपका यह सपना है कि मैं आज ज्वाइन करूंगा दो महीने के बाद मेरा लाखों रुपए का चेक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बिजनेस के अंदर आके कम से कम एक साल आपको बिजनेस के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। अगर आप सोचोगे कि मैं पांच लोगों से मिलूंगा और पांचों लोग रेस के घोड़ों की तरह दौड़ना शुरू कर देंगे, लाखों का बिजनेस करेंगे, आपको लाखों का चेक आएगा, ऐसा नहीं होगा। लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, हताश होकर छोड़ के चले जाएंगे, आपको और नई टीम लानी पड़ेगी, टीम को सिखाना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको जब बड़ा बनाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे, राइट? आज के दिन पे अगर आप हमारी टॉप लीडरशिप के चेक के बारे में सोचते हैं, सिद्धार्थ जी के करोड़ों रुपए के चेक के बारे में, या बाकी लोग जितने लग्जरी कार्स चला रहे हैं, यह मत सोचना कि उन्होंने एक साल के अंदर इसको हासिल किया। उन्होंने बहुत साल का परिश्रम किया, सीखा, गलतियां की, गिरे, फिर उठे। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं, जो छोड़ देते हैं वो कभी जीतते नहीं, और जो नहीं छोड़ते वो ही जीतते। मेरी एक बहुत फेवरेट लाइन है कि सोचने की हिम्मत तो करो। और जितने आज हमारे नए लोग आए हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग परिवार के सदस्य भी हैं, मैं उन लोगों से एक ही बात कहूंगा कि सोचने की हिम्मत करो कि वो काम जो आजकल आप कर रहे हो, वो व्यवसाय, वो नौकरी, क्या उसके अंदर पांच साल के बाद आपको यह भी उम्मीद है कि आपकी आमदनी एक या दो या तीन लाख रुपए हो सकती है? नो no. पर यहां उम्मीद तो है। यस yes. क्योंकि यहां पे ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि उनकी जिंदगी बदल नहीं रही थी, वो वेस्टीज में आए और उन्होंने ना ही सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि आने वाली अपनी पुश्तों की जिंदगी बदल ली। yes. आपने आज प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि वेस्टीज जो है भारत की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है। yes. Yes. ये पहली हिंदुस्तानी कंपनी है जिसको ये सम्मान मिला है, इससे पहले सिर्फ विदेशी कंपनियों को था। वेस्टीज का आपको इतिहास पता है कि वेस्टीज आज के दिन पे लगभग 19 साल से ज्यादा चल चुकी है और हिंदुस्तान नहीं बल्कि 7 और देशों में ऑपरेट कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर हमारे 45 से ज्यादा दफ्तर हैं, 2500 से ज्यादा सेंटर्स हैं और हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां वेस्टीज बदल चुकी है। yes. हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा मार्केटिंग प्लान, कंपनी की सोच के साथ लोगों की जिंदगियां अभी तक बदलती आई हैं और आगे चल के भी बदलती रहेंगी। जैसे प्रीतम जी ने कहा कि मैं आज इसलिए आया हूं कि आप सब लोगों को अपनी विजन बता सकूं, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। मुझे याद है कि जब 2011 में हमें 7 साल पूरे हुए, जब 7 साल पूरे हुए तो हमने एक किताब निकाली कॉल्ड 7 Wonder Years, राइट? और उस किताब का नाम रखा हेयर टू इटर्निटी, यानी कि अब से लेके अंत काल तक। 2011 का वो वक्त था जहां पे हमारी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई कानून नहीं था, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। लोग ये सोचते थे कि आज कंपनी खुली है कल बंद हो जाएगी, राइट? लोगों का ये मानना था कि डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा बिजनेस नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूं। लोग सोचते थे कि डायरेक्ट सेलर्स जो हैं वो चोर होते हैं और कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो डाकू होता है। अरे आप हंस रहे हो,
जब मैंने वेस्टइंडीज को शुरू किया था लोग भी हंसते थे। आप मानोगे नहीं कि लोग कहते थे कि कंपनी 3 महीने में बंद होगी, कोई कहता था 6 महीने में बंद होगी, कोई कहता था 9 महीने में बंद होगी। एक आदमी ने तो आके मुझसे पूछा कि मिस्टर बाली कंपनी बंद करके लोगों का पैसा लेके कब भागोगे। अरे बिजनेस जब करोगे ना तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। अगर उनकी बातों को सुन के आप अपने रास्ते से भटक गए तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। जो आप चीज सुनोगे उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आज तक नहीं सुन चुका। रिश्ते और प्यार। रिश्ते व्यक्ति को प्यार देते हैं, पर उस समय जो हमारा समय था जब हमने शुरू किया, एक व्यक्ति ने आके मुझसे पूछा कि मिस्टर बाली आपका वेस्टीज के लिए विजन क्या है। मुझे याद है मैंने उसको उस टाइम पे कहा कि आज के 5 साल के बाद, मैंने 5 दिन नहीं, 5 महीने नहीं कहा, 50 हफ्ते नहीं कहा, 5 साल, क्योंकि कुछ भी अगर बड़ा बनाओगे उसके लिए वक्त लगेगा, उसके लिए बहुत बेइंतहा मेहनत करनी पड़ेगी, सही रास्ता ढूंढने के लिए कई जगह ठोकर खानी पड़ेगी, तभी जाके आपको सही रास्ता मिलेगा। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने उनके कहा कि आज के 5 साल के बाद पूरे हिंदुस्तान में जब कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो और वो नाम हो वेस्टइंडीज। आपकी तालियों के लिए, पर वो समय ये था कि जब हम जुम्मा शुरू हुए थे, हमारी कंपनी में 1 लाख कमाने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं था, और वहां पे मैं सोच रहा था कि 5 साल के बाद हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोले तो लोगों की जुबान पे एक नाम हो और वो नाम हो वेस्टइंडीज। मैंने उस व्यक्ति को यही कहा कि मेरा विजन ये है कि आज के 5 साल के बाद कोई भी पूछे कि मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, तो लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो और वो नाम हो वेस्टइंडीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने उस समय कही कि आज के 5 साल के बाद जब पूरी इंडस्ट्री में लोग पूछें कि लीडर्स कैसे होने चाहिए, तो लोग बोले वेस्टइंडीज के लीडर्स की तरह। आज जो वेस्टइंडीज परिवार इतना बड़ा परिवार है कि वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनीज में वेस्टइंडीज का नाम आता है, एकमात्र भारतीय कंपनी ने हिंदुस्तान के अंदर विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़ के आगे लेके गए, वो संभव कैसे हुआ? वो संभव हुआ हमारी सब लीडरशिप के करने। वेस्टइंडीज जो आज बनी है वो हमारे लीडर्स के करके बनी है। मैं आप लोगों से विजन की जो बात कहना चाहता हूं, आप लोगों का कैरियर वेस्टइंडीज के साथ सुरक्षित क्यों है? क्योंकि वेस्टइंडीज कंपनी वो है जो हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहती है। और मेरा हमेशा ये कहना है कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलने भी जा रहे हैं, उसको प्रोडक्ट के लिए कस्टमर बनाना है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको हायर लेवल पे लेके जाना है, उसके जाने से पहले तैयारी करो कि आप उससे क्या बात करोगे, किस तरह से स्माइल करोगे, कैसे हाथ मिलाओगे, उसके साथ कैसे बॉन्डिंग करोगे, उसको कैसे मोटिवेट करोगे। जब तक उन चीजों के बारे में आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई व्यक्ति वेस्टइंडीज ज्वाइन नहीं करता, वो लोग आपको ज्वाइन करते हैं। वो लोग वेस्टइंडीज को पसंद इसलिए करेंगे क्योंकि अगर वो आपको पसंद करेंगे तभी वो वेस्टइंडीज को पसंद करेंगे, राइट? तो लेकिन अगर मैं वेस्टइंडीज की विजन की बात करूं,
मैं इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। 2011 में जब हम 7 साल पूरे हुए तो हमने किताब निकाली हेयर टू इटर्निटी, यानी कि उसका नाम रखा और लोगों को वायदा दिया कि अब से लेके अंत काल तक ये कंपनी रहेगी। हमने 7 साल के ऊपर महत्व क्यों दिया? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। दुनिया में कितने समुंदर? 7। दुनिया में कितने अजूबे? 7। और वेस्टीज ने 7 साल कंप्लीट किए थे उस टाइम पे। और हमने कहा कि हम प्रेरित हैं किस चीज से? वो दुनिया का 7वां अजूबा जो जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, और कौन सा है? ताजमहल। हमने कहा कि उससे हमने जो सबसे बड़ी प्रेरणा ली है कि नंबर 1 सोचने की किसी ने हिम्मत तो की। आपको पता है कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे। या कोई चीज आज शुरू हो और उसको बनने में कंप्लीट होने में 22 साल लगे, लोग इतने लंबे समय का सोचते ही नहीं, पर किसी ने तो सोचा। और हमने भी उस टाइम पे ये सोचा जहां हमारा उस टाइम पे मात्र साल का टर्नओवर होता था 50 करोड़ रुपए। हम इंडिया की बहुत पिछले नंबर वाली कंपनीज में थे। और हमने सोचा क्या कि 2020 तक हम इंडिया के अंदर टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेंगे। 10 साल के बाद, 10 साल की पहले प्लानिंग करनी शुरू कर दी। हमने दूसरी प्रेरणा क्या ली? टीम वर्क। आपको पता है कि ताजमहल के ऊपर 22 साल 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने दुनिया भर के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग मजहब से, अलग अलग हुनर के साथ हर एक ने मिलकर एक काम किया कि एक ताजमहल बनाना है। हमने भी यही प्रेरणा ली कि हम पूरे हिंदुस्तान में बगैर किसी भेदभाव के, ना पढ़ाई के, ना शिक्षा के, ना किसी मजहब के, ना जाति के, हम सब लोग एक काम करेंगे कि दुनिया में जितने से जितने ज्यादा लोगों को हम सफल बना सके और उनकी जिंदगी बदल सके। और हमने अपना विजन क्या लिया? टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, कि हम लोगों की मदद करेंगे कि लोग अपनी जिंदगी जी सके आर्थिक आजादी के साथ, और वो भी अपनी शर्तों में। तीसरी प्रेरणा जो ताजमहल से हमने उस किताब के अंदर जो ली, जिसको हम कहते हैं परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस, यानी कि जो भी मुश्किल आए, ताज को बनने में बहुत मुश्किल आई होंगी, नदी के किनारे है, कभी बाढ़ आ गई, कभी कुछ हो गया, कहते उसकी फाउंडेशन धस जाती थी, उसके नीचे लकड़ियों की फाउंडेशन बनाई गई ताकि पानी के साथ वो फूल जाए, जब सूखे तो इतना ना हो कि बिल्डिंग अनस्टेबल हो जाए। जो मर्जी मुश्किल आए, जो लक्ष्य है उससे हम नहीं हटेंगे, वो हमने प्रेरणा ली। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमने प्रेरणा ली, ताजमहल को बने हुए कितने साल हो गए? 400 साल। कितनी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, कितनी इंजीनियरिंग बदल चुकी है, दुनिया में कितने ताजमहल हैं? एक। यानी कि एक ऐसी चीज बनाओ जिसको कोई डुप्लीकेट ना कर सके। वही सोच 2011 में जब हमने काम शुरू किया तो हमने एक चीज देखी कि 2020 के अंदर हमारे भारतवर्ष की जो 70% जनसंख्या होगी उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। जब हमने कहा 2011 में, 2020 में, आपको हिंदुस्तान में एक कंपनी बता दो जो इतने लंबे समय के बारे में सोचती है और इतने लंबे समय के लिए काम करती है, तभी ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन, इंकलाब जो हम ला सके वो अपनी सोच के साथ ला सके। क्योंकि हमारे मन के अंदर सिर्फ एक ही धारणा थी कि हम लोगों की जिंदगियां कैसे बदले। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2020 के अंदर जब 70% जनसंख्या की उम्र 35 साल से कम होगी तो 35 साल के कम के लोग किस तरह से सोचेंगे, किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, किस तरह की वेबसाइट चाहिए होगी, किस तरह की टेक्नोलॉजी कैसे चाहिए होगी, ट्रेनिंग्स कैसे लेंगे, उनके ऊपर कैसे पहुंचेंगे, हम सब ने उसको काम करना शुरू किया। वेबसाइट चेंज की, नए प्रोडक्ट कैटलॉग्स लाए, पहली कंपनी बने इंडिया के अंदर जिसने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। जो 2020 का लक्ष्य था उसके अंदर 2016 के अंदर शायद याद होगा कि भाई साहब हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिन 8 बजे टीवी पे आए और बोले, मित्रों हाँ? 1,000 और 500 के नोट वेस्टीज का एवरेज बिजनेस उस टाइम पे 73 करोड़ हर महीने का था, जो गिर के 47 करोड़ पे आ गया। उसके बाद एक साल फिर लगा उस लेवल पे जाने के लिए, राइट? उसके बाद 2018 में क्या आ गया? जीएसटी, ठीक, उससे नीचे। और 2020 में जब हम अपने लक्ष्य के ऊपर जा रहे थे, तब क्या आ गए? यानी कि जिंदगी किसी की आसान नहीं होती, राइट? ऊपर वाला हमेशा इम्तिहान लेता रहता है कि तुम्हारा इरादा कितना पक्का है। जो तुमने सोचा नहीं था वो भी मुश्किलें तुम्हें दूंगा, देखूंगा कैसे उठते हो। और वेस्टीज की तो वही खास आदत है कि जब तक कोई प्रॉब्लम ना आए तब तक हमें मजा भी नहीं आता, राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, कोविड रहा जिसके अंदर आपको पता है कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गवा दी, लोगों की सैलरीज कम होगी, कितने बिजनेसेस खत्म हो गए। पर वेस्टीज वो कंपनी थी जहां पे उस समय में कोविड के टाइम पे दुनिया भर में सारे बिजनेस बंद थे, लोगों की आमदनियां बंद थी, वेस्टीज का बिजनेस तब भी दिन रात चल रहा था और हर महीने लोगों को आमदनी आ रही थी। yes. जो आज हमारे नए लोग हैं और जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी अच्छी कंपनी की जो आप लोगों के साथ है, उसकी पहचान अच्छे समय में नहीं, उसकी पहचान होती है बुरे समय के अंदर। कोविड के अंदर जब दुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि कब खत्म होगा, कोई कहता था घंटियां बजाओ, कोई कहता था दिए जलाओ, कोई कहता था गर्मी पड़ेगी तब खत्म हो जाएगा, और कोविड खत्म नहीं हो रहा था। लोगों को जब रास्ता नहीं मिल रहा था, वेस्टी वो परिवार था जिसके सेंटर्स हमने तब भी ऑनलाइन खोल के रखे, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करके रखी, बैंक्स बंद थे, सब कुछ बंद था, पर जो हमारा एक वायदा लोगों से है कि 10 तारीख को जो मर्जी हो जाए आपका पे आउट होगा, कोविड के टाइम पे भी एक दिन भी किसी का पे आउट डिले नहीं हुआ। ये आपको दर्शाती है कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो बड़ी से बड़ी मुसीबत के अंदर भी घबराएगी नहीं, उसके अंदर भी आप लोगों के लिए सोल्यूशन लेके आएगी और आपका कैरियर, आपकी जीविका उसके अंदर भी सेव कर देगी। ये कहना नहीं चाहिए कि इसको हमने कभी पब्लिश नहीं किया, क्योंकि इसके लिए हमें कभी कोई तालियां नहीं चाहिए, पर मैं आप लोगों में से जो कुछ नए लोग हैं उनको बताना चाहूंगा, कोविड के टाइम पे क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं जा सक रहे थे, अपने लेवल्स क्वालिफाई नहीं कर सक रहे थे, राइट? जब उनके लेवल्स क्वालिफाई नहीं हो रहे थे तो उनकी आमदनी वो बन नहीं रही थी। वेस्टीज ने लगभग 6 महीने लगभग 19,000 लोगों को उनका एवरेज क्वालिफाइड चेक देते रहे, बेशक वो क्वालिफाइड नहीं हुए। क्यों? क्यों? क्योंकि ना तो किसी लीडर ने कहा था, ना किसी व्यक्ति का मैसेज आया कि जी मेरा लेवल क्वालिफाई नहीं हुआ, मेरे घर में पैसे नहीं आएंगे, मेरा घर कैसे चलेगा, किसी ने मांग नहीं की। बल्कि वेस्टीज की मैनेजमेंट ने खुद सोचा कि यार अगर उनके घर में पैसे नहीं जाएंगे, उनकी आमदनी नहीं जाएगी, तो वो इस समय में अपना घर कैसे चलाएंगे, राइट? ये सोच उस कंपनी की जो अपने लोगों के प्रति सोचती है, जिसके दिल में दर्द है अपने लोगों के लिए। ये तो रहा हमारा इतिहास। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग आज इस परिवार के अंदर शामिल होंगे और इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, अपनी जिंदगी बदलेंगे, अपनी नहीं, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने जान पहचान के लोगों की। वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 2030 के लिए तैयार हो चुकी है। मैं जो हमेशा बात कहता हूं वही चीज हम करते रहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो। हमने कोविड के टाइम के अंदर भी यही सोचने की हिम्मत की कि 2030 में दुनिया कैसी होगी। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? ठीक है, आपको पता है स्मार्टफोन्स ने क्या किया? घड़ी को खा गया,
कैलकुलेटर को खा गया, कैमरे को खा गया, कंपस को खा गया, रिकॉर्ड प्लेयर, कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर सबको खत्म कर दिया। और क्या खत्म किया? अलार्म क्लॉक को खत्म कर दिया। और किसको खत्म किया? भाई साहब को। भाई हमारे देश में कोई भी रास्ता पूछता था, करता क्या था, कहीं पे भी रुका, भाई साहब ये इनका घर कहां मिलेगा, वो फटाफट व्यक्ति आता था, बताता था कि इधर से जाओ, आगे पीपल का पेड़ है, वहां से मुड़ोगे नीला घर है, नीले घर के बाद हरा गेट है, वहां पे वो घर है। आज के दिन में एक बात कही जाती है कि मोबाइल फोन ने रिश्ते खत्म कर दिए, चिट्ठियां खत्म कर दी, इंटरनेशनल जो एसटीडी कॉल्स होती थी, पीसीओ बूथ होते थे, सब खत्म कर दिए। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो 2030 में दुनिया कैसी होगी। आज के दिन में तो 5G आ चुका है, 2030 में शायद 7G होगा। तो होगा क्या, अगर आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो तो वो अंदर से बाहर निकलेगा, आपको एक किस करेगा और अंदर घुस जाएगा। मुझे पता है कि लोग इस बात पे बहुत खुश होते हैं, पर खुशी के लिए डर की बात भी है, हो सकता है निकल के अंदर से थप्पड़ मार के अंदर बाहर चला जाए, फिर क्या करोगे। मैं सिंपल एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे आने वाले वक्त में वर्ल्ड और ज्यादा डिजिटल होगा, तो डिजिटल जब इतना वर्ल्ड होगा उसके अंदर आप लोगों को ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, आपके ऑर्डर्स कैसे जाएंगे, आप अपने लोगों से प्रोस्पेक्ट कैसे करेंगे, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, उन चीजों को आप कैसे इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को मूव कर सकेंगे, लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सकेंगे, उनको ट्रेनिंग कैसे दे सकेंगे, उन्होंने जब ऑर्डर प्लेस किया तो उनका ऑर्डर कितनी जल्दी उनके पास पहुंच सके, इन सब चीजों की वेस्टी तैयारी कर चुकी है। और एक हमारा मानना है कि 2030 तक मान के रखना, जब मैंने भी शुरू में ये कहा था कि 5 साल के बाद हिंदुस्तान में जब भी कोई व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है तो लोग बोलेंगे वेस्टी जी। मैं यही कहना चाहता हूं कि 2030 में जब दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है तो कौन सा नाम होगा, वेस्टेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के इस भरोसे के साथ ना ही सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया भर में हम एक ही काम करेंगे, अपने लोगों की जिंदगियां बदलेंगे और लोगों को एक मौका देंगे ताकि वो आपके कजाने के साथ जी सके। यस, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू वेल, थैंक यू सो मच। सर एक मिनट आपका और लेना चाहूंगा सर। जी, आप लोग इस रोजाना से बैठ जाइए। सर से 98 है, पिता तुल्य है। जब मैं रेस्टी में आया था तो बड़ी आर्थिक दिक्कतों में था, उस समय सर के पास सीआरपी होती थी और मैं मजाक में सर से कह, मैंने मजाक में नहीं, मैं तो सीरियसली बोलता था कि मैंने कहा सर बताइए कितना डाउनलोड करना, मुझे आपकी गाड़ी चाहिए। उस समय सर का वो विजन था, तो मेरी गाड़ी के पीछे मत पड़, मैं तुझे नई मर्सिडीज देना चाहता हूँ। जब सर के पास मर्सिडीज नहीं थी, उन्होंने हमारे लिए, अपने लीडर्स के लिए वो गाड़ी ला करके खड़ी कर दी थी। ये वो परिवार है, ये वो सोच। सौभाग्यरा सर के साथ बहुत पर्सनली काम किया, उड़ीसा बिल्ड किया, तमिलनाडु बिल्ड किया, छोटी छोटी गाड़ी में, शेवरलेट बीट जैसे गाड़ी में, अब सर जैसे लंबा व्यक्तित्व, ऐसे रात को 4-4 घंटे पीछे बैठ करके सोए हैं और 1-on-1 उस समय हम किया करते थे, क्योंकि तब भीड़ का तो कोई मसला ही नहीं होता था। सामान तो दिल्ली से जाता था, जब हम उड़ीसा में सर बिल्ड कर रहे होते थे तो वो जाता था, सर 1-on-1 पेपर पर शुरू करते थे, सर का आधार प्लान होता था, कोई आता था, मैं इधर लग जाता था, रोज हमारी रात को बात होती थी, 15-15, 20-20 प्लान हमने दिन में दिखाए हैं। कहने का मतलब है कि ये जो सोच और ये जो मेहनत है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर हियर। और अगर हम ऐसे ही समझ सकते हैं तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।